हे गाइस, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 9 हिंदी व्याकरण का पाठ अलंकार। लेकिन उससे पहले एक जनरल रिमाइंडर, यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लें और बेल बटन भी दबा दें ताकि मेरे आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। और लाइक, शेयर और कमेंट करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। तो चलिए पाठ प्रारंभ करते हैं अलंकार। सबसे पहले जान लेते हैं कि अलंकार क्या होता है। अलंकार शब्द अलम और कार दो शब्दों के मेल से बना है और अलम का अर्थ है भूषित करना यानी सजाना, सुंदर बनाना, और कृत का अर्थ है करने वाला, जो सुंदर बनाता है या भूषित करता है या सजाता है। अर्थात अलंकृत करने वाला साधन ही अलंकार कहलाता है। सामान्य रूप से सामान्य भाषा में अलंकार का अर्थ होता है गहना या आभूषण। जिस तरह स्त्रियां अपने सौंदर्य को बढ़ाने के लिए विभिन्न आभूषणों का प्रयोग करती हैं, उसी प्रकार से कवि भी भाषा को सुंदर बनाने के लिए अलंकारों का प्रयोग करते हैं। आचार्य वामन ने कहा है कि जो किसी को अलंकृत करे वही अलंकार है। संक्षेप में हम कह सकते हैं कि अलंकरोति इति अलंकारः। इस प्रकार हम अलंकार को परिभाषित कर सकते हैं कि काव्य की शोभा बढ़ाने वाले गुण धर्मों को अलंकार कहते हैं। अर्थात वो शब्द, वो गुण जो किसी कविता को और अधिक सुंदर बनाते हैं, उसके सौंदर्य में और अधिक वृद्धि करते हैं, उन तत्वों को हम अलंकार कहते हैं। आप जानते हैं कि अलंकार के कितने भेद होते हैं। काव्य में शब्द और अर्थ दोनों ही अपना अलग अलग एवं विशेष महत्व रखते हैं। अर्थात कविता में न केवल शब्द और न केवल अर्थ के माध्यम से सौंदर्य उत्पन्न होता है, बल्कि इन दोनों का ही अलग अलग और विशेष महत्व होता है। कभी शब्द विशेष के माध्यम से काव्य सौंदर्य में वृद्धि होती है तो कभी अर्थ में चमत्कार उत्पन्न होता है। इस आधार पर अलंकार के मुख्यतः दो भेद होते हैं, शब्दालंकार और अर्थालंकार। यहाँ मैं ये व्याख्या कक्षा 9 के पाठ्यक्रम के अनुसार कर रही हूँ। तो देखते हैं शब्दालंकार कैसा होता है। जब काव्य में किसी शब्द विशेष के कारण चमत्कार उत्पन्न होता है, किसी शब्द विशेष के कारण कोई एक विशेष शब्द किसी कविता में चमत्कार उत्पन्न कर देता है, सौंदर्य उत्पन्न कर देता है, तब वहाँ शब्दालंकार होता है। यहाँ ध्यान देने योग्य यह है कि शब्द विशेष के स्थान पर उसका पर्यायवाची रख देने से उसका सौंदर्य समाप्त हो जाता है। अर्थात किसी विशेष शब्द के माध्यम से ही सौंदर्य में वृद्धि होती है। उस विशेष शब्द के स्थान पर यदि उसका कोई पर्यायवाची हम इस्तेमाल करें तो वह सौंदर्य समाप्त हो जाता है। जैसे उदाहरण देखिए, पानी गए न ऊबरे मोती मानुष चून। यहाँ मोती मानुष और चून, प्रत्येक शब्द के लिए पानी का अलग अलग अर्थ है। अब इसके स्थान पर, पानी के स्थान पर यदि हम वारी, जो कि पानी का पर्यायवाची है, नीर, तोए, सलिल, जल आदि शब्दों में से किसी एक शब्द को प्रयोग करें तो यह सौंदर्य उत्पन्न नहीं होगा। इसका जो विशेष सौंदर्य इस शब्द विशेष के कारण उत्पन्न हुआ है वह सौंदर्य समाप्त हो जाएगा, क्योंकि अलंकार खत्म हो जाता है। केवल पानी विशिष्ट एवं अलग अलग अर्थ रखता है जिसकी अभिव्यक्ति अन्य शब्दों के द्वारा नहीं हो पाती। अर्थात अब शब्दालंकार के कितने भेद होते हैं। शब्दालंकार के मुख्यतः तीन भेद होते हैं, अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार और श्लेष अलंकार। जानते हैं अनुप्रास अलंकार कैसा होता है। जब काव्य में किसी वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार होती है तब वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। ध्यान देने योग्य बात है कि किसी वर्ण की आवृत्ति, किसी एक अल्फाबेट की आवृत्ति जब एक से अधिक बार होती है तो वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे उदाहरण देखिएगा,
चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जलथल में। इस पंक्ति को ध्यान से पढ़ने पर हमें समझ में आएगा कि इस पंक्ति में च वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार हुई है, अतः यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। अन्य उदाहरण देखिएगा, कल कानन कुंडल मोर पखा उर्पे बन माल विराजती है। ध्यान से देखने पर आपको समझ में आएगा कि क क क क वर्ण की आवृत्ति यहाँ पर बार बार हो रही है और ब ब ब वर्ण की आवृत्ति यहाँ पर बार बार हो रही है इस पंक्ति में, इसलिए यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। दूसरा उदाहरण देखिएगा, तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाए। त त त त त त वर्ण की आवृत्ति यहाँ पर बार बार हो रही है, इसलिए अनुप्रास अलंकार है। कालिंदी कूल कदम्ब की डारन क क क क वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही है, इसलिए यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। रघुपति राघव राजा राम रा 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 प प रा और प वर्ण की आवृत्ति यहाँ पर बार बार हो रही है, इसलिए यहाँ पर अनुप्रास अलंकार हुआ। इस प्रकार आप समझ गए होंगे कि जहाँ पर एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है उन पंक्तियों में उस कविता में अनुप्रास अलंकार होता है। दूसरा आपका अलंकार है यमक अलंकार। देखते हैं कैसा होता है यमक अलंकार। जब काव्य में एक ही शब्द दो बार आता है और दोनों बार अर्थ अलग अलग होता है तो वहाँ यमक अलंकार होता है। अर्थात एक शब्द है और दो बार आता है और दोनों बार उस एक शब्द का अर्थ जो है वो भिन्न भिन्न होता है, तब वहाँ यमक अलंकार होता है। उदाहरण के द्वारा समझते हैं, कनक कनकते सो गुनी मादकता अधिकाए या खाए बोराए नर वा पाए बोराए। इस दोहे की पंक्ति में कनक दो बार आया है परंतु दोनों बार अलग अलग अर्थ है। एक कनक का अर्थ है धतूरा। धतूरा एक हर्ब होता है और यह एक नशीला हर्ब होता है, इसको खाने से व्यक्ति को नशा हो जाता है, तो धतूरे का सेवन करने से नशा होता है। और दूसरे कनक का अर्थ है सोना अर्थात स्वर्ण, तो स्वर्ण जिसके पास अधिक होता है उसे भी एक प्रकार का नशा ही होता है, अमीरी का अपना एक नशा होता है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि इन पंक्तियों में इस काव्यांश में कनक और कनक शब्द दो बार आया है और इस कनक का अर्थ दोनों बार भिन्न भिन्न है, इस प्रकार यहाँ पर यमक अलंकार है। अन्य उदाहरण देखिए, कहे कवि बेनी बेनी बयाल की चुराए लीनी। यहाँ बेनी और बेनी शब्द दो बार प्रयोग किया गया है। पहले बेनी का अर्थ है, बेनी एक सुप्रसिद्ध कवि हुए हैं, और दूसरे बेनी का अर्थ है बालों की चोटी, जो स्त्रियाँ अपने बालों की चोटी बना लेती हैं। इस प्रकार यहाँ पर बेनी शब्द दो बार प्रयोग किया गया है और दोनों बार इसका अर्थ भिन्न भिन्न है, अतः हम कह सकते हैं कि यहाँ पर यमक अलंकार है। एक और उदाहरण देखिए, रति रति शोभा सब रति के शरीर की। तो यहाँ पर रति एक से अधिक बार प्रयोग किया गया है और हर बार उसका अर्थ जो है वो भिन्न भिन्न है। कैसे? पहले रति रति का अर्थ है तनिक तनिक थोड़ी थोड़ी, और दूसरे रति का अर्थ है कामदेव की पत्नी, यानी जगह जगह पर स्थान स्थान पर थोड़ी थोड़ी शोभा रति के शरीर की फैली हुई है। इस प्रकार रति रति शब्द दो बार यहाँ पर प्रयोग किया गया है और दोनों बार इसका अर्थ भिन्न है, अतः यहाँ पर यमक अलंकार है। वो तीन बेर खाती थी ये तीन बेर खाती है। यहाँ पर बेर शब्द दो बार प्रयोग किया गया है, दोनों बार इसका अर्थ भिन्न है। कैसे? एक बेर का अर्थ है स्वादिष्ट फल जो बेर आप खाते हैं, और दूसरी बेर का अर्थ है समय टाइम, यानी वो तीन बेर खाती थी, वो केवल तीन फल बेर के खाती थी, और ये तीन बेर यानी बार तीन बार तीन समय पर खाती है। इस प्रकार यहाँ पर बेर शब्द दो बार प्रयोग किया गया है और दोनों बार इसका अर्थ भिन्न भिन्न है, अतः हम कह सकते हैं कि यहाँ पर यमक अलंकार है। और तीसरा भेद अलंकार का है श्लेष अलंकार। जब काव्य में कोई शब्द एक ही बार आता है,
अभी हमने यमक में पढ़ा कि कोई एक शब्द दो बार आता है और उसके अर्थ दोनों बार अलग अलग होते हैं, लेकिन श्लेष अलंकार में कोई शब्द एक ही बार आता है परंतु उसके एक से अधिक अर्थ होते हैं, तब वहाँ श्लेष अलंकार होता है। अर्थात एक ही शब्द और उसके अर्थ भिन्न भिन्न हो सकते हैं, वहाँ पर श्लेष अलंकार होता है। जैसे उदाहरण देखिएगा, चरण धरत चिंता करत चितवत चारों ओर, सुबरन को खोजत फिरत कवि व्यभिचारी चोर। तो यहाँ पर इन पंक्तियों में सुबरन शब्द एक ही बार प्रयोग किया गया है, किंतु उसके कई अर्थ इन पंक्तियों में निकलते हैं। कैसे, अभी समझते हैं। सुबरन का अर्थ है सुंदर वर्ण। अगर हम कवि के बारे में बात करेंगे, कवि को क्या चाहिए? अपनी कविता की रचना करने के लिए कवि को सुंदर वर्ण और अक्षर चाहिए। शब्द और अक्षर सुंदर सुंदर कवि के पास होंगे तभी तो वो अपनी कविता की रचना कर पाएगा। तो कवि के अर्थ में सुबरन का अर्थ है सुंदर वर्ण और अक्षर। किसी व्यभिचारी पुरुष के संबंध में सुंदर रूप रंग का प्राप्त होना ही सुबरन के समान है। और किसी चोर को, अगर कोई चोर चोरी करने के लिए निकला है तो उसके लिए सुबरन का अर्थ है सोना। अर्थात अगर चोर को चोरी करने के लिए जेवरात, गहने, आभूषण मिल जाएं तो उसके लिए बहुत अच्छा हुआ। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि यहाँ पर सुबरन शब्द एक बार प्रयोग किया है और सुबरन के तीन अलग अलग अर्थ निकलते हैं। अतः इन पंक्तियों में श्लेष अलंकार है। और उदाहरण देखिएगा, मंगन को देख पट देती बार बार। यहाँ पट एक बार प्रयोग किया गया है और पट के यहाँ पर दो अर्थ हैं। एक पट का अर्थ है दरवाज़ा, डोर, और दूसरे पट का अर्थ है वस्त्र और कपड़े। अर्थात मंगन को कोई मांगने वाला यदि भिखारी आता है तो एक तो उसको देखकर दरवाज़ा बंद कर लेती है और दूसरी उसको कुछ पुराने वस्त्र दे देती है पहनने के लिए। तो यहाँ पर पट शब्द एक बार प्रयोग किया गया है परंतु इसके अर्थ दो निकलते हैं। इस प्रकार से यहाँ पर श्लेष अलंकार है। एक और उदाहरण देखिएगा, जो रहीम गति दीप की कुल कपूत गति सोए, बारे उजियारा करे बढ़े अंधेरो होए। यहाँ बारे एक बार आया है शब्द, इसके दो अर्थ हैं। बढ़े एक बार आया है और इसके भी दो अर्थ हैं। क्या क्या है समझ लेते हैं। बारे शब्द का अर्थ है बचपन में, बालपन में, और बारे शब्द का एक अर्थ है जलाने पर। यानी रहीम कहते हैं कि जो गति दीपक की होती है, दीपक जो जलाने वाला दीपक होता है, वही गति कपूत की भी होती है। कपूत यानी कुपुत्र, जो योग्य नहीं है ऐसा पुत्र। कैसे, बचपन में तो वह उजाला करता है, यानी बचपन में तो कपूत भी अच्छा लगता है, और जलाने पर दीपक क्या करता है, रोशनी करता है। जब दीपक को तुरंत जलाया जाता है तो वो प्रज्वलित कर देता है, अंधकार दूर कर देता है। और बढ़े अंधेरो होए, बढ़े के दो अर्थ हैं। यहाँ पर बढ़ने पर, जब कपूत बढ़ता है, बड़ा होता है, तो वो कुल के अपना नाम कलंकित कर देता है। इसी प्रकार से जब दीपक बुझ जाता है तो वह अंधेरा कर देता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि यहाँ पर एक शब्द एक बार आया है परंतु उसके दो अर्थ हैं। अर्थात यहाँ पर श्लेष अलंकार है। अब अलंकार का आपका दूसरा भेद है अर्थालंकार। अर्थात जब काव्य में अर्थ के माध्यम से सौंदर्य में वृद्धि होती है अथवा चमत्कार उत्पन्न होता है तब अर्थालंकार होता है। और इसके कितने भेद होते हैं, इसके पांच भेद होते हैं। नंबर एक, उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार और मानवीकरण अलंकार। पहला है उपमा अलंकार। कैसा होता है उपमा अलंकार, चलिए देखते हैं। जब किसी वस्तु या व्यक्ति की तुलना अत्यंत समानता के कारण किसी अन्य प्रसिद्ध वस्तु या व्यक्ति से की जाती है तब वहाँ उपमा अलंकार होता है। यानी कंपैरिजन किया जाता है, तुलना की जाती है किसी व्यक्ति या वस्तु की तुलना
किसी अन्य प्रसिद्ध वस्तु या व्यक्ति से की जाती है तब वहाँ उपमा अलंकार होता है। जैसे उदाहरण देखिएगा, सीता का मुख चंद्रमा के समान सुंदर है। सीता एक स्त्री का नाम है और उसके मुख की तुलना किससे की गई है? चंद्रमा से की गई है। यानी सीता का मुख इतना सुंदर है जैसे चंद्रमा हो। तो यहाँ पर सीता के मुख की तुलना चंद्रमा से होने के कारण यहाँ पर उपमा अलंकार है। उपमा अलंकार के चार अंग होते हैं। पहला है उपमेय, दूसरा उपमान, तीसरा वाचक शब्द और चौथा साधारण धर्म। इनको समझते हैं। उपमेय क्या होता है? उपमेय जिस प्रस्तुत वस्तु की समानता की जाती है उसे उपमेय कहते हैं। समानता के लिए तो किस चीज़ की समानता की जा रही है यहाँ पर? सीता का मुख, सीता के मुख की समानता चंद्रमा से की जा रही है कि सीता का मुख चंद्र के समान सुंदर है। यहाँ सीता के मुख की समानता की जा रही है, अतः सीता का मुख उपमेय है। दूसरा अंग है उपमान। प्रस्तुत वस्तु यानी उपमेय की तुलना जिस अप्रस्तुत वस्तु से की जाती है उसे उपमान कहते हैं। जैसे सीता का मुख किसके समान है? चंद्रमा के समान है। तो चंद्रमा यहाँ पर उपमान हुआ। यहाँ प्रस्तुत वस्तु सीता के मुख की तुलना अप्रस्तुत वस्तु चंद्र से की गई है, अतः चंद्र उपमान यहाँ पर है। तीसरा है वाचक शब्द। उपमेय की उपमान से तुलना करने के लिए जिन तुलनात्मक शब्दों का प्रयोग किया जाता है, तुलना करने के लिए जिन हम शब्दों का प्रयोग करेंगे उन्हें वाचक शब्द कहते हैं। जैसे सीता का मुख चंद्र के समान सुंदर है। यहाँ तुलनात्मक प्रयुक्त शब्द समान है, यानी सीता के मुख की चंद्रमा से तुलना करने के लिए जिस शब्द को हमने प्रयोग किया है वह समान है, अतः समान शब्द यहाँ पर वाचक शब्द है। चौथा है साधारण धर्म। उपमेय और उपमान की समानता जिस शब्द से बताई जाती है उसे साधारण धर्म कहते हैं। जैसे सीता का मुख चंद्रमा के समान सुंदर है। सीता के मुख और चंद्रमा की समानता किस शब्द से हम देख रहे हैं? सुंदर से, कि ये दोनों कैसे हैं? सुंदर हैं। अतः इसमें सुंदर साधारण धर्म है। और जहाँ काव्य में उपमा के चारों अंग पाए जाते हैं, अभी हमने जिन चारों अंगों का अध्ययन किया है, जहाँ वे चारों अंग पाए जाते हैं वहाँ पूर्णोपमा अलंकार कहा जाता है, और किसी एक अंग का लोप होने पर लुप्तोपमा अलंकार कहा जाता है। यहाँ पूर्णोपमा और लुप्तोपमा दोनों का उपमा अलंकार से काम चला सकते हैं। उदाहरण देखिएगा, पीपर पात सरिस मन डोला। यहाँ जो उपमेय है वो मन है, उपमान वो पीपर पात है, वाचक शब्द सरिस है और साधारण धर्म डोला है। अतः यहाँ उपमा अलंकार के चारों अंग होने के कारण पूर्णोपमा अलंकार हुआ। मुख बाल रविसम लाल होकर ज्वाल सा बोधित हुआ। उपमेय मुख है, उपमान बाल रवि ज्वाल है, वाचक शब्द सम सा है और साधारण धर्म बोधित हुआ है। यहाँ उपमा अलंकार के चारों अंग हैं, इसलिए यहाँ पर पूर्णोपमा अलंकार होता है। अब जानते हैं कि उपमा अलंकार की पहचान हम कैसे करेंगे, किस प्रकार के शब्दों को पढ़कर या कौन सी ऐसी ट्रिक है जिससे हम जान पाएंगे कि अमुक पंक्ति में उपमा अलंकार होता है। जहाँ वाचक शब्द सा, सी, से, सम, सदृश, समान, ज्यों, आए, वहाँ उपमा अलंकार होता है। अर्थात जब काव्य में सा, सी, से, सम, सदृश, समान, ज्यों आदि शब्द आए वहाँ पर उपमा अलंकार हमें मिलेगा। जैसे उदाहरण देखिएगा, हरिपद कोमल कमल से। यहाँ से वाचक शब्द का प्रयोग किया गया है, इसलिए यहाँ पर उपमा अलंकार है। और यहाँ पर हरि के चरणों की तुलना कमल से की गई है। हाय फूल सी कोमल बच्ची हुई राख की ढेरी सी। बच्ची की तुलना फूल से की गई है और सी वाचक शब्द का प्रयोग किया गया है। मखमल के झूले पड़े हाथी सा टीला। सा वाचक शब्द का यहाँ पर प्रयोग किया गया है और टीले की तुलना हाथी से की गई है।
वह किसलय के से अंग वाला कहाँ है, अंगों की तुलना किसलय, किसलय यानी कमल से की गई है और से वाचक शब्द का यहाँ पर प्रयोग किया गया है। इस प्रकार से हम समझ सकते हैं कि जहाँ पर से, सी, से, सा, से शब्दों का प्रयोग किया जाएगा वहाँ पर उपमा अलंकार होगा। बहुत ही आसान है, आप इसको बड़े धैर्यपूर्वक समझिएगा और सीखिएगा तो ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा भेद है रूपक अलंकार। कैसा होता है रूपक अलंकार जान लेते हैं। जब गुण की अत्यंत समानता के कारण उपमेय में उपमान का अभेद आरोपित कर दिया जाता है तब रूपक अलंकार होता है। इसमें वाचक शब्दों का अभाव होता है, यानी सम, सा, से जैसे शब्द इसमें प्रयोग नहीं किए जाते और अत्यधिक समानता होती है, वहाँ तुलना हमने की है और यहाँ पर अत्यधिक समानता होती है जिस कारण उपमेय में उपमान का अभेद आरोपित कर दिया जाता है। जैसे आप समझिएगा, मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूँ, यहाँ पर चंद्रमा उपमेय में खिलौना उपमान, बिल्कुल उपमेय और उपमान का जो फर्क है वो समाप्त हो गया है, उसका जो भेद है। और चंद्रमा रूपी खिलौना, चंद्रमा के समान खिलौना हमने नहीं कहा, हमने कहा है चंद्रमा रूपी खिलौना लूँगा, अर्थात यहाँ पर उपमेय में उपमान का अभेद आरोपित कर दिया गया है, अतः यहाँ पर रूपक अलंकार है। बहुत सरल शब्दों में मैं यदि आपको इसे समझाऊँ तो यहाँ पर उपमान और उपमेय में कोई अंतर नहीं है, उपमेय ही उपमान के जैसा कहा गया है। आप देखिए यहाँ पर मैं तो चंद्र खिलौना ले हूँ, यानी चंद्र का ही खिलौना लूँगा, चंद्रमा के समान खिलौना नहीं लूँगा। वाचक शब्द यहाँ पर सम, समान, सा, से नहीं इस्तेमाल किया गया है और तुलना नहीं की जा रही है। यहाँ पर वो जो तुलना करने वाला तत्व है उसकी विद्यमानता नहीं है, वो समाप्त हो गया है और उपमेय में उपमान का आरोप होने के कारण रूपक अलंकार है। आइए कुछ और उदाहरण देखते हैं। चरण कमल बंदो हरि राई, यहाँ चरण उपमेय पर कमल उपमान का आरोप किया गया है, इसलिए यहाँ पर रूपक अलंकार है, क्योंकि हमने कमल के समान चरण नहीं कहा, चरण कमल ही कहा है, तो उपमेय और उपमान में यहाँ तुलना नहीं की गई है बल्कि उपमेय और उपमान में अत्यधिक समानता है, कोई भेद इनमें नहीं है, इसलिए यहाँ पर रूपक अलंकार है। माया दीपक नर पतंग भ्रमी भ्रमी इवे पड़ंत, माया उपमेय पर दीपक उपमान और नर उपमेय पर पतंग उपमान का आरोप किया गया है, इसलिए यहाँ पर रूपक अलंकार है। अंबर पनघट में डुबो रही तारा घट उषा नागरी, यहाँ अंबर पर पनघट, तारों पर घड़े का और उषा को नागरी के समान बताया गया है, चतुर स्त्री बताया गया है, तो यहाँ पर भी जो तुलना का भाव है वो समाप्त हो गया है और उपमान और उपमेय का भेद समाप्त हो गया है, अतः यहाँ पर रूपक अलंकार है। शशिमुख पर घूंघट डाले, शशिमुख, शशि के समान हमने मुख नहीं कहा, हमने कहा शशिमुख, जैसे हमने उपमा अलंकार में पढ़ा था कि चंद्रमा के समान सुंदर मुख, तो हमने यहाँ शशि के समान, शशि का अर्थ भी चंद्रमा ही होता है, तो हमने शशि के समान नहीं कहा बल्कि मुख स्वयं शशि है, शशि मुख है। और एक और ट्रिक मैं आपको यहाँ पर बता देती हूँ कि इस अलंकार में आपको अधिकांश शब्द युग्म में हाइफन बीच में लगा हुआ दिखेगा, जैसे प्रीति नदी में हाइफन है, शशि मुख में हाइफन है, तो यहाँ पर हाइफन है और उपमेय और उपमान का भेद समाप्त हो गया है, इसलिए यहाँ पर भी रूपक अलंकार है। इसी प्रकार प्रीति नदी में पाँव न बोरियो, प्रीति पर नदी का आरोप है, श्री कृष्ण के विषय में यहाँ पर ये बात कही गई है, इस प्रकार से इन पंक्तियों में भी रूपक अलंकार है। तीसरा अलंकार देखते हैं, उत्प्रेक्षा अलंकार।
कैसा होता है उत्प्रेक्षा अलंकार, जहाँ प्रस्तुत उपमेय पर अप्रस्तुत उपमान का भेद रूप आरोप होता है वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। अर्थात सरल शब्दों में समझते हैं, उपमेय और उपमान के गुण धर्म की समानता के कारण समान होने की संभावना कर ली जाती है। उन उपमेय और उपमान में उनके गुण और धर्मों में इतनी समानता होती है कि उन दोनों को एक ही समान होने की कल्पना हो जाती है, संभावना कवि कर लेता है। या उपमेय को उपमान के जैसा मान लिया जाता है। इसकी पहचान बहुत ही आसान है। उत्प्रेक्षा अलंकार की पहचान आप इस प्रकार कर सकते हैं कि जिन वाक्यों में मनो, मनहु, जानो, जिन्हें, ज्यों, जनु जैसे शब्दों का प्रयोग होता है वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। ये एक ट्रिक है कि आप उत्प्रेक्षा अलंकार को किस प्रकार पहचानेंगे। तो ये कुछ शब्द हैं, इन वाचक शब्दों का प्रयोग जहाँ कविता में किया जाएगा वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। उदाहरण द्वारा इसको समझते हैं। जैसे सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात, मनहु नीलमणि सैल पर आतप पर्यो प्रभात। हमने अभी कहा कि इन शब्दों का प्रयोग, इन वाचक शब्दों का प्रयोग क्या है यहाँ पर, मनहु, मनहु वाचक शब्द का प्रयोग यहाँ पर किया गया है। और यहाँ श्री कृष्ण के सुंदर श्याम वर्ण में नीलमणि पर्वत की और उनके शरीर पर लिपटे हुए पीतांबर में प्रभात की धूप की मनोरम संभावना की कल्पना की गई है। इसमें क्योंकि वाचक शब्द मनहु है अतः यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है। सिर फट गया उसका वही मानो अरुण रंग का घड़ा, तो यहाँ भी मानो वाचक शब्द का इस्तेमाल किया गया है और यहाँ उपमेय फटा सिर पर अरुण रंग का घड़ा उपमान से समानता की संभावना की गई है। यहाँ वाचक शब्द मानो है इसलिए यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है। देखन नगर भूपसुत आए समाचार पुर वासिन पाए, धाये काम धाम सब त्यागी मनहु रंक निधि लूटन लागी। यहाँ उपमेय श्री राम और लक्ष्मण के सौंदर्य में निधि खजाने की संभावना व्यक्त की गई है और इस मनहु वाचक शब्द का यहाँ पर प्रयोग किया गया है। इस प्रकार से आप बहुत सहजता से समझ सकते हैं कि यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार हो गया है। जैसे कहती हुई यो उत्तरा के नेत्र जल से भर गए, हिमकणों से पूर्ण मानो हो गए पंकज नए। यहाँ पर उत्तरा के आंसू भरे नयनों जो कि उपमेय है, में ओस के जल बिंदु पड़े पंकज यानी कमल उपमान की संभावना व्यक्त की गई है और यहाँ पर मानो वाचक शब्द का प्रयोग किया गया है। तो यहाँ पर इस प्रकार उत्प्रेक्षा अलंकार हो गया। तो विद्यार्थियों, अगर कभी किसी काव्यांश में, किसी पंक्ति में आपको उसका भाव समझ में ना आए तो इन वाचक शब्दों को देखकर आप यह अंदाजा लगा सकते हैं, आप यह समझ सकते हैं कि इस पंक्ति में उत्प्रेक्षा अलंकार हो गया है। चौथा अलंकार का भेद है अतिशयोक्ति अलंकार। कहाँ होता है अतिशयोक्ति अलंकार समझते हैं। जहाँ किसी बात को इतना बढ़ा चढ़ाकर कहा जाए कि जिसका होना सामान्य स्थितियों में संभव ही ना हो वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार होता है। अर्थात जहाँ किसी काव्यांश में, किसी काव्य पंक्ति में कवि किसी बात को इतना बढ़ा चढ़ाकर बोल देते हैं कि वह बात सामान्य स्थितियों में असत्य सी प्रतीत होती है वहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार होता है। इसके नाम से ही आपको स्पष्ट हो जाता है अतिशय उक्ति, अतिशय यानी अधिकता, बोलने की अधिकता। जैसे उदाहरण देखिए, हनुमान की पूछ में लग्न न पाई आग, लंका सारी जल गई गए निशाचर भाग। यहाँ हनुमान की पूछ में अभी आग लगा भी नहीं पाए थे कि उससे पहले ही लंका का जल जाना दिखाया गया है, अतः इन पंक्तियों में अतिशयोक्ति अलंकार है। यानी पूछ में आग लगने से पहले ही कवि ने लंका के जल जाने की सूचना दे दी है जो असत्य सा प्रतीत होता है, इसलिए इन पंक्तियों में अतिशयोक्ति अलंकार हो गया है।
एक और उदाहरण देखते हैं। देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए, पानी परात को हाथ छुओ नहीं नैनन के जल से पग धोए। यहाँ पर आँखों के अनपेक्षित आंसुओं को अविरल धारा के रूप में प्रस्तुत किया गया है, जिसके कारण सुदामा के पैर धोने के लिए अन्य जल की आवश्यकता ही नहीं पड़ी, जो कि असत्य से प्रतीत होता है, अतिशय सा प्रतीत होता है। इसलिए इन पंक्तियों में अतिशोक्ति अलंकार हो गया है। एक और उदाहरण देखते हैं। देख लो साकेत नगरी है यही, स्वर्ग से मिलने गगन में जा रही। यहाँ पर साकेत नगरी की स्वर्ग जैसे गुणों के समानता बताई गई है, जो कि अपने आप में ही एक असंभव सी बात है। अतः इन पंक्तियों में भी अतिशोक्ति अलंकार हो गया है। एक और उदाहरण देखते हैं। आगे नदियाँ पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। यहाँ पर कवि ने राणा प्रताप के घोड़े चेतक की स्फूर्ति का वर्णन बढ़ा चढ़ाकर किया गया है कि अभी रास्ते में आई नदी को कैसे पार किया जाए, यह राणा प्रताप सोच ही रहे थे कि तब तक चेतक ने छलांग लगाकर नदी को पार कर भी दिया, जो कि सत्यता से परे प्रतीत होता है। इस प्रकार से इन पंक्तियों में भी अतिशोक्ति अलंकार हो गया है। पांचवा भेद है अलंकार का, मानवीकरण अलंकार। कहाँ होता है मानवीकरण अलंकार समझ लेते हैं। जहाँ जड़ पदार्थों पर मानवीय भावनाओं का आरोप होता है, जड़ पदार्थों से तात्पर्य नॉन लिविंग थिंग्स, जहाँ नॉन लिविंग थिंग्स पर लिविंग थिंग्स की कल्पना की जाती है, वहाँ पर मानवीकरण अलंकार होता है। अर्थात जहाँ जड़ वस्तु या प्रकृति को जीवंत मानव की तरह कार्य करते हुए दिखाया जाता है, तो मानवीकरण अलंकार वहाँ पर होता है। जैसे उदाहरण देखिएगा, दिवसावसान का समय, मेघ में आसमान से उतर रही है वह संध्या सुंदरी परी सी धीरे धीरे। इस काव्यांश में कवि ने संध्या को यानी शाम के समय को, जब दिन ढल रहा होता है और शाम हो रही होती है, संध्या हो रही होती है, उस संध्या को परी के समान बताया है, यानी नॉन लिविंग थिंग को परी लिविंग थिंग के समान बताया है। इसलिए यहाँ पर मानवीकरण अलंकार हो गया है। संध्या को परी के रूप में बताने पर, संध्या तो शाम तो हो रही है, वो कोई जीवंत व्यक्ति तो है नहीं, तो इस प्रकार से संध्या को परी के रूप में प्रस्तुत करने पर मानवीकरण अलंकार हो गया है। उषा सुनहरे तीर बरसती, जयलक्ष्मी सी उदित हुई। यहाँ उषा को, उषा का तात्पर्य है प्रातःकालीन समय को, जैसे हमने अभी पिछले उदाहरण में संध्या को परी के रूप में कवि ने प्रस्तुत किया था, उसी प्रकार से यहाँ उषा को प्रातःकालीन समय को नायिका के रूप में प्रस्तुत किया गया है। लक्ष्मी के समान नायिका के रूप में प्रस्तुत करने से यहाँ पर मानवीकरण अलंकार उपस्थित हो गया है। मेघ आए बड़े बंठन के सवर के, यहाँ मेघों को यानी बादलों को, मेघों से तात्पर्य बादल, शहरी मेहमान के रूप में प्रस्तुत किया गया है। इस प्रकार से यहाँ पर भी मानवीकरण अलंकार हो गया है कि मेघ किस प्रकार आए, जैसे कोई शहर का मेहमान गांव में बहुत बंठन के और सवर के जाता है, इसी प्रकार कवि ने मेघों को कहा है कि वो भी बंठन के सवर के आए हैं। यह है आपकी पुस्तक क्षितिज की एक कविता की पंक्ति है। है वसुंधरा बिखेर देती मोती सबके सोने पर, रवि बटोर लेता है उसको सदा सवेरा होने पर। यहाँ वसुंधरा और सूर्य को मानवीय क्रियाएं करते दिखाया गया है। क्या कि वसुंधरा सबके सोने पर मोती बिखेर देती है, यानी ओस की बूंदे उनको मोती कहा गया है, और वसुंधरा पृथ्वी, पृथ्वी कवि ने ऐसा बताया है कि पृथ्वी वसुंधरा सबके सोने पर मोती बिखेर देती है, और रवि सूर्य उनको बटोर लेता है सदा सवेरा होने पर। जिस प्रकार से सूर्य की किरणों से ओस की बूंदे विलुप्त हो जाती हैं, उसी प्रकार से कवि ने ऐसा चित्रण किया है कि ये दोनों मानवीय क्रियाएं कर रहे हैं। अतः इन पंक्तियों में भी मानवीकरण अलंकार हो गया है। तो विद्यार्थियों, यह था पाठ अलंकार। आशा करती हूँ बहुत अच्छे से आपको समझ में आया होगा। यदि आपको अच्छा लगा है तो प्लीज एक थम्स अप जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।